सो गेट्स स्टडी की नई वीडियो में स्वागत है और आज हमारा 23 पार्ट है। इससे पहले हमने टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग समझा था, ठीक है, तो वो रिवाइज कर लेना एक बार। हम कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल कर रहे थे और उसमें मैंने तुम्हें बोला था कि इससे पहले चार चीज़ें जानना जरूरी है, तो टोपोलॉजिकल ऑर्डर हमारा हो चुका है क्लियर। तो आज हम कॉन्फ्लिक्ट पेयर, प्रेसिडेंस ग्राफ, ये सब देखने के बाद उसके बाद हम कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल होता क्या है और कैसे पता लगाते हैं ये देखेंगे क्लियर। तो कॉन्फ्लिक्ट पेयर क्या होता है? पेयर ऑफ ऑपरेशन फ्रॉम शेड्यूल एस सच दैट, तीन चीज़ें होनी चाहिए। पहले कि एटलीस्ट वन राइट ऑपरेशन, कम से कम एक राइट ऑपरेशन होना चाहिए। जैसे मैंने बताया रीड ऑपरेशन होता है राइट ऑपरेशन, तो कम से कम एक राइट ऑपरेशन होना चाहिए। सेकंड, ओवर सेम डेटा आइटम, अगर डेटा आइटम एक्स है तो यहाँ पे भी एक्स होगा, मतलब डेटा आइटम सेम होना चाहिए। ए है तो ए होगा, बी है तो बी होगा क्लियर। पहला काम क्या है कि कम से कम एक राइट होना चाहिए, जैसे ये रीड है ये राइट है तो एक राइट तो होना ही चाहिए कम से कम। सेकंड है कि सेम डेटा आइटम होना चाहिए, एक्स है तो एक्स होना चाहिए ठीक है। थर्ड है फ्रॉम डिफरेंट ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन अलग अलग, यानी टी वन है तो दूसरे टी टू होना चाहिए, टी वन है तो टी फाइव, जो भी है मगर सेम नहीं हो सकता क्लियर। ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए अगर कॉन्फ्लिक्ट पेयर पता लगाने हैं तो ठीक है। तो जैसे देखो यहाँ पे आर आई दैट इज रीड ऑफ आई, एक्स हमारा क्या है डेटा आइटम है। अब डेटा आइटम देखो सेम है, एक्स ही है और साथ में डब्ल्यू जे है यानी राइट कर रहे हैं जे, तो पहली कंडीशन ट्रू होती है कि कम से कम एक राइट नज़र आया। दूसरी कंडीशन क्या कि सेम डेटा आइटम एक्स है ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या है कि ट्रांजेक्शन यहाँ पे आई है या जे है, यानी अलग अलग ट्रांजेक्शन है, तो हाँ ये कॉन्फ्लिक्ट पेयर है। सेकंड देखो इस बार राइट को पहले लिख दिया, रीड को बाद में, कोई बात नहीं, सारी चीज़ सेटिस्फाई, कॉन्फ्लिक्ट पेयर है। या ऐसे बोले कम से कम एक राइट होना चाहिए, यहाँ पे दो राइट हो गए, कोई बात नहीं, जब ट्रांजेक्शन अलग अलग है सेम डेटा आइटम है तो कॉन्फ्लिक्ट पेयर है। तो हमारे कॉन्फ्लिक्ट पेयर ये तीनों एग्जांपल हो गए। कौन से नहीं होंगे कॉन्फ्लिक्ट पेयर? रीड वाले, यहाँ देखो दोनों रीड हैं, मैटर नहीं करता बाकी सारी सेटिस्फाई हो रही है, मगर कम से कम एक राइट तो होना चाहिए था, तो दैट इज नॉट कॉन्फ्लिक्ट पेयर। साथ में ऐसा भी हो सकता है कि भले ही रीड राइट हो मगर डेटा आइटम चेंज हो, जैसे यहाँ पे एक्स ले लिया पहले और वाई ले लिया बाद में, यहाँ डिवाइड नहीं है, ये इनमें से कुछ भी ले सकते हैं। मतलब मैं अगर राइट आई एक्स कर दूँ और यहाँ राइट जे वाई कर दूँ तब भी हमारा कॉन्फ्लिक्ट पेयर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ डेटा आइटम ही चेंज है क्लियर। एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर तुम यहाँ ट्रांजेक्शन वन और ट्रांजेक्शन टू में देखो, तो ट्रांजेक्शन वन इस ऑर्डर में चलेगा, यहाँ रीड रीड वन ए करा है ठीक है, यानी आर वन ए है, और उसके बाद यहाँ पे जब ये खत्म हो जाएगा तो डब्ल्यू टू ए करा है। तो देख रहे हो सेम डेटा आइटम है, एटलीस्ट वन राइट है और दूसरा ट्रांजेक्शन अलग अलग है, टी वन है दूसरी टी टू है, यानी ये कॉन्फ्लिक्ट पेयर है। तो हमारा कॉन्फ्लिक्ट पेयर क्या हो गया? आर वन ए और डब्ल्यू टू ए, समझ में आया। और नॉन कॉन्फ्लिक्ट पेयर क्या क्या हो गया? क्योंकि ये देखो दोनों बी के लिए हैं तो रिलेट ही नहीं कर रहा है इससे, तो आर वन बी डब्ल्यू टू ए और डब्ल्यू वन बी डब्ल्यू टू ए, ये दोनों नॉन कॉन्फ्लिक्ट पेयर हो गए। रीजन क्या है? डेटा आइटम चेंज है, यहाँ बी है या ए है क्लियर। और एक और नोट है, इंपॉर्टेंट बात है कि ऑपरेशंस फ्रॉम सेम ट्रांजेक्शन आर नीदर कॉन्फ्लिक्ट पेयर नॉर नॉन कॉन्फ्लिक्ट। मतलब हम बोलते हैं ना कि कॉन्फ्लिक्ट पेयर है या नहीं, कुछ होते हैं कि हम कह नहीं सकते, मतलब वो ना कॉन्फ्लिक्ट पेयर है ना वो कॉन्फ्लिक्ट पेयर नहीं है। मतलब यहाँ पे अगर तुम देखोगे कि आर वन ए आर वन बी डब्ल्यू वन बी, ये जो ऑर्डर है मेंटेन हो रहा है ठीक है, दिस इज नीदर कॉन्फ्लिक्ट पेयर नॉर नॉन कॉन्फ्लिक्ट। तो ये आर वन ए आर वन बी ठीक है, आर वन ए देखो आर वन बी, या आर वन ए डब्ल्यू वन बी, या आर वन बी डब्ल्यू वन बी, देख लो ये ऑर्डर, क्योंकि ये ऑर्डर तो मेंटेन ही होगा ना, है ना, ये ऑर्डर तो चलेगा ही, इस ऑर्डर को तो मेंटेन करना है एक ट्रांजेक्शन में, है ना। तो इन पे हम कुछ कमेंट नहीं करते हैं, हम हमेशा अलग अलग ट्रांजेक्शन में ही कमेंट करते हैं, सेम ट्रांजेक्शन में होगा तो ये नोट याद रखना क्लियर। तो ये हमने कॉन्फ्लिक्ट पेयर देख लिया। नेक्स्ट आता है प्रेसिडेंस ग्राफ। प्रेसिडेंस ग्राफ क्या होता है कि एक शेड्यूल ऐसा है उसका प्रेसिडेंस ग्राफ जब भी हम बनाएंगे उसमें वर्टेक्सेज जो होंगे वो ट्रांजेक्शन होंगे, ट्रांजेक्शन वन टू थ्री ऐसे करके, और एजेस जो होंगे वो कितने कॉन्फ्लिक्ट मतलब कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर अगर जिस तरह से है ना उनकी प्रेसिडेंस के हिसाब से होंगे, जो पहले आ रहा है उससे पॉइंट होगा दूसरे वाले को। एग्जाम्पल से समझते हैं, आराम से समझते हैं। एग्जाम्पल है हमारा एक शेड्यूल है जिसमें रीड वन ए राइट टू ए, रीड राइट वन ए रीड वन बी राइट वन बी राइट थ्री बी। तो एक चीज़ समझ में आया कि अगर तुम वन, क्योंकि वन बताता है कि पहली ट्रांजेक्शन है, टू बताता है दूसरी ट्रांजेक्शन है, तो वन टू वन 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 थ्री, यानी टोटल थ्री, तीन ट्रांजेक्शन तो हैं, तो हम क्या करेंगे टी वन टी टू टी थ्री ऐसे करके हमने वर्टिसेस बना दिए, दैट इज ट्रांजेक्शन ऑफ शेड्यूल। प्रेसिडेंस ग्राफ बनाना बता रहा हूँ तुम्हें। सेकंड की कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर की प्रेसिडेंस बतानी है। अभी मैंने तुम्हें बताया कि कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर क्या होते हैं, कि देखो रीड वन ए है उसके बाद राइट टू ए है, यानी सेम डेटा आइटम है, ट्रांजेक्शन अलग अलग है, साथ में कम से कम एक राइट आ रहा है, यानी देखो वन के बाद टू पे जा रहा है, तो हम क्या करेंगे एरो बना देंगे टी वन से टी टू को जा रहा हूँ क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अभी मैं आर वन का ही सबके साथ चेक कर रहा हूँ, आर वन ए को सबके साथ चेक कर रहा हूँ। अब चेक करा डब्ल्यू वन ए क्योंकि सेम उसमें है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अब आगे बढ़े आर वन, फिर से जहाँ वन वन दिख रहा है उसको तो नेगलेक्ट ही कर लो, क्योंकि मेरे को ट्रांजेक्शन डिफरेंट होनी चाहिए, साथ में डेटा आइटम ए ही रहना चाहिए, तो आगे जाके देखा तो कोई है ही नहीं ए वाला, है ना। अब डब्ल्यू टू ए पे पहुँचे, क्या कोई ए वाला है? हाँ डब्ल्यू वन ए नजर आया, देख रहे हो, मतलब दो राइट ऑपरेशन है साथ में अलग अलग ट्रांजेक्शन में और एक ही डेटा आइटम के, तो ये तो भाई कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर है। तो यहाँ ऑर्डर समझ में आया कि टू के बाद वन पे आ रहे हैं, तो इसका मतलब टू से भी वन पे जा रहा है, समझ में आता है। आगे बढ़ते हैं, क्या ए वाला और कोई नहीं, और कोई ए वाला है नहीं, डब्ल्यू वन ए पे आए तो आगे कोई ए वाला है नहीं, तो आगे बढ़ जाएंगे ठीक है, डेटा आइटम सेम होना चाहिए। जैसे आर वन बी है तो हाँ आर वन बी, आगे जाके देखोगे डब्ल्यू वन बी है, देखो डेटा आइटम सेम है मगर ट्रांजेक्शन भी सेम है, तो ये चीज़ नहीं नोटिस करनी, अलग ट्रांजेक्शन, जैसे ये डब्ल्यू थ्री बी दिख रहा है तो डेटा आइटम सेम है, साथ में एक राइट दिख रहा है और दूसरे ट्रांजेक्शन भी अलग। ये तीन चीज़ें होनी चाहिए, पहला कि कम से कम एक राइट होना चाहिए जो कि दिखा मेरे को, अगर मैं आर वन बी और डब्ल्यू थ्री बी की बात करूँ एक राइट नजर आया, दूसरा कि हमारे डेटा आइटम सेम है बी है, बी है यहाँ पे, और तीसरी चीज़ है कि हमारे ट्रांजेक्शन डिफरेंट है, यहाँ वन है या थ्री है, तो यानी वन से थ्री की ओर जा रहा है, तो वन से थ्री की ओर हमने एक एरो बना दिया, पूरा कवर करते हैं। आगे बढ़ते हैं, हाँ लास्ट वाला भी हो गया। अब डब्ल्यू वन बी से डब्ल्यू थ्री बी डेफिनेटली जाएगा क्योंकि अलग अलग ट्रांजेक्शन और सेम डेटा आइटम है, तो वन से थ्री, वन से थ्री, अच्छा पहले भी वन से थ्री करा था अभी भी वन से थ्री, तो एक ही बात है, तो ये हमारा प्रेसिडेंस ग्राफ हो गया इसका।
क्लियर, इस तरह से बनाते हैं। और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। शुरू के एग्जांपल में हम टाइम लेके करेंगे, उसके बाद मैं ऑब्वियस मान लूंगा कि तुम्हें समझ में आ चुका है ना, तो ज़्यादा टाइम लगाएंगे नहीं। अब देखो यहाँ पे, यहाँ पे देखो, रीड वन ए, रीड टू ए, रीड थ्री ए, रीड फोर ए, वही फाइव दिख रहा है, नहीं, राइट वन बी, राइट टू बी, राइट थ्री बी, राइट फोर बी, यानी चार, मैक्सिमम फोर तक जा पा रहे हैं। यानी ट्रांजेक्शन कितने हैं, टी वन, टी टू, टी थ्री, टी फोर, ये बना दिए। अभी सोचो मैंने वर्टिसेस बनाया, मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ, प्रेसिडेंस ग्राफ बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अभी वर्टिसेस बना दिए, अब मुझे बनाने की किस तरह का एरोज बनाने हैं, तो उसके लिए प्रेसिडेंस चेक करनी पड़ेगी। तो एक बात बताओ, रीड रीड में तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि डेटा आइटम ए ए एक साथ इकट्ठा हो रखे हैं, तो हमें समझ में आ गया कि दिक्कत तो है नहीं रीड ये, क्लियर। क्योंकि अब यहाँ से राइट से कैसे कंपेयर करोगे, क्योंकि राइट वाले सारे बी हैं, है ना, तो ये ए को कंपेयर नहीं करना, सीधे यहाँ आ जाते हैं। या तुम करना चाहो तो कर लो, एक बेसिक है क्योंकि अभी सीख रहे हैं। आ गया कि डब्ल्यू वन बी, और देखो डब्ल्यू टू बी, यहीं पर कॉन्फ्लिक्ट आ गया, क्योंकि राइट नज़र आ रहा है, साथ में सेम डेटा आइटम है, अलग अलग ट्रांजेक्शन है, तो वन से टू की ओर, तो मैंने वन से टू की ओर एरो बना दिया, ठीक है। डब्ल्यू वन बी को अभी पूरे से स्कैन करेंगे, पीछे जाने की जरूरत नहीं, आगे बढ़ेंगे। डब्ल्यू वन बी, डब्ल्यू थ्री बी, यानी वन से थ्री की ओर, तो वन से थ्री की ओर भी एरो। वन से फोर की ओर, वन से फोर की ओर भी एरो, आगे बढ़े। डब्ल्यू टू बी जो है वो थ्री की ओर जा रहा है, तो टू से थ्री की ओर, ठीक है भाई। डब्ल्यू टू से डब्ल्यू फोर, ठीक है, टू से फोर की ओर। अब डब्ल्यू थ्री बी पे आ गए, अब थ्री से क्या जा रहा है, फोर की ओर जा रहा है, थ्री से फोर की ओर, तो समझ में आया। इस तरह का हमारा प्रेसिडेंस ग्राफ बन जाएगा। तो ये था हमारा प्रेसिडेंस ग्राफ। फिर आखिरी आता है हमारा कॉन्फ्लिक्ट इक्वल शेड्यूल। कॉन्फ्लिक्ट इक्वल शेड्यूल क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि ये टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है, बुकिश डेफिनेशन है, ये समझ लो। एस वन एस टू शेड्यूल आर कॉन्फ्लिक्ट इक्वल इफ एंड ओनली इफ, दैट इज डबल इफ, शेड्यूल एस टू डिराइव बाय इंटरचेंज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नॉन कॉन्फ्लिक्ट पेयर ऑफ शेड्यूल एस वन। सोच लो कितना चीज़ें आपस में रिलेट हो रही हैं, और तब जाके हम वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल समझ पाएंगे, है ना। तो देखो कहना क्या मतलब है, एस वन एस टू दो शेड्यूल हैं, अगर हम उनको कॉन्फ्लिक्ट इक्वल तभी बोलेंगे कि जब वन से एस वन से एस टू बनाया जा सके। यही बोलने की कोशिश है कि एस टू डिराइव करा जा सके बाय इंटरचेंज ऑफ, इंटरचेंज करने किनको, कॉन्जिक्यूटिव यानी आसपास वाले, नॉन कॉन्फ्लिक्ट यानी कॉन्फ्लिक्ट नहीं करने चाहिए, जैसे मैंने बताया नॉन कॉन्फ्लिक्ट पेयर कैसे बनाते, कॉन्फ्लिक्ट पेयर क्या होते हैं ना, तो नॉन कॉन्फ्लिक्ट पेयर ऑफ शेड्यूल। एग्जाम्पल देखेंगे हमेशा, जब भी तुम्हें डेफिनेशन बुरी लगे, समझना है, तो एग्जाम्पल देखिए क्लियर करना, फिर दोबारा डेफिनेशन पढ़ना। एस वन से एस टू बनाया जा रहा है, मैं डेफिनेशन को इस तरह से भी डिनोट कर रहा हूँ कि एस वन से एस टू बनाया जा रहा है, कैसे करके, इंटरचेंज करें कॉन्जिक्यूटिव नॉन कॉन्फ्लिक्ट पेयर्स को, ठीक है। और ध्यान रखना है कि एस वन एस टू कॉन्फ्लिक्ट इक्वल हो। देखो एग्जाम्पल समझ गए तो फिर टेंशन नहीं खत्म, टेस्ट करते हैं चलो एस वन एस टू को कि कॉन्फ्लिक्ट इक्वल है या नहीं, ठीक है, अगर पता लगाना है तो। तो एस वन है हमारा आर वन ए, आर टू ए, आर थ्री ए, डब्ल्यू वन बी, डब्ल्यू टू बी, डब्ल्यू थ्री बी, क्लियर। एस टू है हमारा आर वन ए, डब्ल्यू वन बी, आर थ्री ए, डब्ल्यू टू ए, डब्ल्यू टू बी, डब्ल्यू थ्री बी, क्लियर। अब हम क्या करते हैं, मैं अगर एस वन से एस टू बना पा रहा हूँ क्या करके, स्वैप स्वैप करके, ठीक है, इंटरचेंज करके, किनको, नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर्स को, तो देखते हैं अगर ऐसा पॉसिबल है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो आर वन ए तो है, मैच कर रहा है आर टू ए, और हमें चाहिए यहाँ पे डब्ल्यू टू बी, कैसे ला सकते हैं, डब्ल्यू टू डब्ल्यू वन बी, सॉरी डब्ल्यू वन बी, तो यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर डब्ल्यू वन बी को दो कदम आगे बढ़ाने के लिए दो स्वैप लगेंगे, पहला इसके साथ, देखो पहला स्वैप हमारा आर थ्री के साथ हुआ, क्लियर, सेकंड स्वैप हमारा आर टू ए के साथ होगा, आर टू ए के साथ हुआ, और जैसे स्वैप हुआ हमारा डब्ल्यू वन बी आगे आ गया सेकंड पे, तो चलो ठीक है डब्ल्यू वन बी तक तो हम पहुँच गए दो स्वैप में। एक चीज़ नजर आई कि मेरे को आर थ्री ए को पहले लिखना है, समझ में, आर थ्री ए को पहले लिखना, अगर तुम यहाँ स्वैप टू में देखोगे तो आर थ्री ए पीछे लिखा हुआ है, आर टू ए पहले लिखा, तो इन दोनों को भी स्वैप करना पड़ेगा। जैसे ही स्वैप करा, अब आर थ्री ए पहले आ गया, आर टू, आर टू ए बाद में आया, और देखा तो डब्ल्यू टू बी, डब्ल्यू टू बी, डब्ल्यू थ्री बी, डब्ल्यू थ्री बी, एक्जैक्टली इक्वल हो गया तो एस टू के, है ना, और कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं हुआ। सोच लो कि स्वैप करना कैसे पॉसिबल है, तुम ऐसे मत सुनना कि मैं यूँ ही स्वैप कर दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ डेटा आइटम डिफरेंट है ना, तो दिक्कत हो नहीं रही है, और रीड रीड में तो दिक्कत होती भी नहीं है, ठीक है। यहाँ दोनों ही स्वैप करने का रीज़न ये है कि रीड कर रहे थे, है ना, कॉन्फ्लिक्ट तो होगा नहीं रीड करने में, भले ही यहाँ पे ट्रांजेक्शन अलग है, डेटा आइटम सेम है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, तभी हमारे कॉन्फ्लिक्ट इक्वल होते हैं, ठीक है। अंडरलाइन कराए यानी स्वैप कराए। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो हमने डेफिनेशन पढ़ी, कि हमें चेक करना है कि क्या ये दोनों एस वन और एस टू जो ब्लैक पेन से लिखे हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट इक्वल है या नहीं। तो हमने देखा कि आर वन, आर वन ए, डब्ल्यू वन ए, आर वन ए, डब्ल्यू वन ए तो लिखा हुआ है, यहाँ पे आर टू ए लिखा है, यहाँ पे आर वन बी लिखा है, तो आर वन बी तो यहाँ पे, इसको हम यहाँ पे ला सकते हैं क्या, थर्ड पोजीशन पे, सेकंड लास्ट पे अभी, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं कि क्यों नहीं, रीड रीड में तो चेंजेस हो सकते हैं, तो रीड रीड को स्वैप करा, देखो आर वन ए, डब्ल्यू वन ए लिखा, अब मैं आर वन बी को मैं उठा के यहाँ ले आया हूँ, ठीक है। तुम बोलोगे ऐसे दो कदम कैसे कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए था, हाँ हाँ एक एक कदम, मतलब ये जो रिजल्ट है आफ्टर सेकंड स्वैप है, दो स्वैप करें, कितने स्वैप करें उससे मैटर नहीं पड़ता, ठीक है। कहीं ये सोच रहे कि काउंट ऑफ स्वैप इज इंपॉर्टेंट, नहीं, बस हम पहुंचा पा रहे हैं कि नहीं। तो हमने आर वन बी और आर टू बी को स्वैप करा, फिर जब आर वन बी बीच में आया तो आर वन, आर टू ए के साथ स्वैप करके यहाँ लिख दिया, फिर आर टू ए यहाँ आया, आर टू बी यहाँ आया, डब्ल्यू वन बी आया, ठीक है, हम आर आर वन बी तक तो पहुँच गए, क्लियर। मगर दिक्कत तब आई हमें जब हम, हमसे अगली डिमांड डब्ल्यू वन बी की करी गई, डब्ल्यू वन बी लास्ट में है, हम कैसे उसको, देखो देख रहे हो यहाँ पे आर टू बी पहले आता है डब्ल्यू वन बी से, यानी टू की प्रेसिडेंस है, ट्रांजेक्शन टू में आर टू बी पहले है ना, तो कैसे तुम इसको स्वैप कर सकते हो, तो यही कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर है, और जैसे ही कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर मिला तो एस वन एस टू आर नॉन कॉन्फ्लिक्ट इक्वल, तो कॉन्फ्लिक्ट इक्वल नहीं खेला जाएंगे। तो ये थी हमारी जो डेफिनेशन के हिसाब से हमने स्वैप करा है, मगर क्या ये स्पीड में सही है, नहीं, स्पीड मतलब जब तुम क्वेश्चन करोगे तो तुम क्या ऐसे स्वैप निकालते रहोगे, ये कोई और तरीका भी है। तो अदर डेफिनेशन कॉन्फ्लिक्ट इक्वल शेड्यूल क्या है, कि एस वन एस टू कॉन्फ्लिक्ट इक्वल है अगर, पहला पॉइंट, दो पॉइंट है, दोनों ही होने चाहिए, ठीक है, ईच ट्रांजेक्शन ऑफ एस वन मस्ट बी एक्जैक्टली सेम एज ट्रांजेक्शन इन एस टू,
ठीक है, पहला पॉइंट इसको थोड़ा डाइजेस्ट कर लो। ईच ट्रांजेक्शन ऑफ एस वन मस्ट भी एक्जैक्टली सेम एज ट्रांजेक्शन इन एस टू। और जैसे एग्जाम्पल बताऊँगा बहुत सिंपल हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि जैसे एस वन में ट्रांजेक्शन देखोगे, लेट से कि अगर तुम टी आई यानी कोई भी ट्रांजेक्शन लेते हो, तो वहाँ पे रीड ए रीड बी राइट राइट भी हो रहा है। तो दूसरे शेड्यूल दूसरे वाले में रीड ए रीड बी राइट बी ही होना चाहिए उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए। अगर टी टू है तो टी टू में ऐसा होना चाहिए और दूसरे में भी टी टू का यही सीक्वेंस होना चाहिए। समझ में? ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए। सेकंड है एंड लिखा है यहाँ पे कि दोनों ही होने चाहिए। एवरी कॉन्फ्लिक्ट पेयर प्रेसिडेंस, जो भी कॉन्फ्लिक्ट पेयर की प्रेसिडेंस है ना ऑफ एस वन मस्ट बी एक्जैक्टली सेम एज प्रेसिडेंस इन एस टू। ठीक है भाई, एग्जाम्पल से समझते हैं, ये समझ में आया? कॉन्फ्लिक्ट पेयर जो दिक्कत दे सकते हैं उनकी प्रेसिडेंस, अगर ट्रांजेक्शन वन वाला राइट पहले है और रीड बाद में ट्रांजेक्शन टू के लिए सेम डेटा का है ना, तो वन से टू जो जाएगा वो मेंटेन रहना चाहिए दोनों में। देखो कैसे एग्जाम्पल समझते हैं। रीड ए है, ये वन का है ट्रांजेक्शन वन। एक काम करते हैं, ट्रांजेक्शन वन के एक साथ लिख देते हैं, क्योंकि पहला चेक तो हमारा यही है ना कि ट्रांजेक्शन जो होती है हर ट्रांजेक्शन सेम ऑर्डर में होनी चाहिए। अगर आर वन ए लिख दिया मैंने यहाँ पे, जरा मैं और वन वाले ढूंढता हूँ। देखो डब्ल्यू वन बी नजर आया, डब्ल्यू वन बी भी लिख दिया, यानी आर वन ए पहले आ रहे डब्ल्यू वन बी बाद में आ रहे, तो आर वन ए पहले आया डब्ल्यू वन बी बाद में आया। ठीक है, सही ऑर्डर है। ट्रांजेक्शन टू देखता हूँ, आर टू ए पहले आ रहा है उसके बाद डब्ल्यू टू बी आ रहा है। ठीक है, क्या यहाँ पे भी ऐसे? यहाँ आर टू ए पहले आ रहा है फिर डब्ल्यू टू बी आ रहा है, यानी यहाँ ऑर्डर मेंटेन हो रहा है सेकंड वाला भी। सारी ट्रांजेक्शन चेक करनी है कि भाई ऑर्डर मेंटेन हो रहा है जैसे यहाँ बताया गया। तीसरा है कि आर थ्री बी आर थ्री ए सॉरी आर थ्री ए के बाद थ्री का और क्या, हाँ ये डब्ल्यू थ्री बी। ठीक है, आर थ्री के और डब्ल्यू थ्री बी आना चाहिए। जरा देखो आर थ्री ए आ रहा है, हाँ उसके बाद आना है, हाँ डब्ल्यू थ्री बी लास्ट में आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ऑर्डर मेंटेन है, येस इन बोथ। चेक टू, इस चेक में क्या है कि तुम्हें कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर का पता लगाना है कि देखो रीड रीड में तो कॉन्फ्लिक्ट होता नहीं है। हो सकता है राइट अगर ए वाले भी राइट होता है यहाँ पे कोई, मगर फिलहाल यहाँ पे कोई राइट ए वाला है नहीं। तो यहाँ देखते हैं कि डब्ल्यू वन और डब्ल्यू टू देख रहे हो और बी हमारा सेम है, तो वन के बाद टू आ रहा है। ठीक है भाई, वन के बाद थ्री आ रहा है, ये भी ठीक है। चलो चेक करते हो, वन के बाद टू आया, वन के बाद थ्री आया, सही बात है। टू के बाद थ्री आना चाहिए, टू के बाद थ्री आ रहा है। ठीक है, सारे कुछ ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर प्रेसिडेंस सेम है, सेम होना चाहिए। देखो येस कॉन्फ्लिक्ट इक्वल हैं ये दोनों। सर मैं एक और देखते हैं एग्जाम्पल, हम दो दो देखेंगे कि क्लियर होता रहे मामला। यूजिंग सेकंड मेथड, जो हमने सेकंड मेथड बताया, फर्स्ट भी कर सकते हो तुम। देखो टाइम जिसमें कम लगे वो मज़ा आता है उसमें, है ना? तो सेकंड जो है वो इसलिए बताया गया कि फर्स्ट में जो है थोड़ा टाइम लगता है। यूजिंग सेकंड मेथड चेक, अच्छा यहाँ कोई सेकंड ऐसे क्वेश्चन पेपर में आएगा नहीं कि सेकंड मेथड लगाओ फर्स्ट मेथड। तुम बस सिंपली बताना होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉन्फ्लिक्ट इक्वल, फिर तुम्हें चार दे दिए जाएंगे। फिलहाल दो दो करके देख रहे हैं, है ना? क्वेश्चन किसी भी बन सकता है। तो इफ दे आर कॉन्फ्लिक्ट इक्वल और नॉट एस वन और एस टू। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, पहले हम पहला क्या काम करते हैं, ट्रांजेक्शन वन वाले सारे पकड़ लेते हैं। ठीक है, आर वन ए डब्ल्यू वन ए और वन कहाँ दिख रहा है, हाँ आर वन लिखते भी रहता हूँ, आर वन ए डब्ल्यू वन ए आर वन बी और डब्ल्यू वन बी। तो वन वाले मैंने वन 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 वाले सारे एक साथ रखती है, तो जब नीचे चेक करूँ क्या यही पैटर्न फॉलो हो रहा है, आर वन ए डब्ल्यू वन ए, ठीक है आर वन बी डब्ल्यू वन बी, अच्छा ये तो सारी एक लाइन में आ गए। ठीक है, तो अच्छी बात है। चलिए टी टू का देखते हैं। टी टू में देखो कि आर टू ए आर टू बी, उसके अलावा कोई टू वाला नहीं नजर आ रहा। नीचे देखो आर टू ए आर टू बी, हाँ ठीक है, ऑर्डर मेंटेन हो रहा है ना। ठीक है, तो सेम इन बोथ। तो पहला चेक तो क्लियर हो गया कि ट्रांजेक्शन जो होती है सेम होनी चाहिए एस वन एस टू में, हो गया। चेक टू देखते हैं कि क्या यहाँ पे कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर सेम ऑर्डर में है। तो यहाँ देखा मैंने कि डब्ल्यू वन, क्योंकि आर वन ए जो है वो कहीं डब्ल्यू टू दिख रहा है तुम्हें नहीं, क्योंकि देखो इजी वैसे तो ट्रिक वही है कि हम एक को पकड़ें फिर सबको चेक करें कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कि नहीं, मगर जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे बढ़ता जाएगा, मतलब जल्दी होता जाएगा। तो यहाँ नजर आया कि डब्ल्यू वन ए और आर टू ए, हाँ ये कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर है। तो डब्ल्यू वन ए और आर टू ए, यहाँ देखा डब्ल्यू वन ए आर टू ए, हाँ ठीक जा रहा है। यहाँ चेक करा तो आर टू बी से डब्ल्यू वन बी जा रहा है, यानी टू से वन को टू से वन गया, मगर यहाँ उल्टा हो गया भाई कि वन से देख लो डब्ल्यू वन बी पहले आगे लिखा हुआ और आर टू बी बाद में आया, यानी यहाँ पे तो टू से वन को जा रहे हैं। ये एरो टू से वन को जाएगा अगर हम ग्राफ बनाना चाहेंगे तो, है ना, प्रेसिडेंस ग्राफ बनाएंगे तो टू से वन को जाएगा, और यहाँ उल्टा हो रहा है वन से टू को। भले ही वन से टू को पहले भी कर चुके हैं, मगर यहाँ ऑर्डर सबके मेंटेन रहने चाहिए ना। तो ये कॉन्फ्लिक्ट कर गया कि आर टू बी से डब्ल्यू वन बी जा रहे हैं और यहाँ पे डब्ल्यू वन बी से आर टू बी जा रहे हैं सेकंड वाले में, तो ये कॉन्फ्लिक्ट हो गया। देयरफॉर कॉन्फ्लिक्ट नॉट इक्वल, नॉट कॉन्फ्लिक्ट इक्वल। अब कुछ नोट पॉइंट है, नोट पॉइंट देख लो, उससे रिलेटेड थ्योरी में आ सकता है या फिर तुम्हें क्वेश्चन सॉल्विंग में ईजी हो सकता है एलिमिनेट करने। नोट है कि एस वन एंड एस टू कॉन्फ्लिक्ट इक्वल, देन एस वन एस टू प्रेसिडेंस ग्राफ मस्ट भी सेम। ध्यान समझ ना कि अगर हमारा एस वन और एस टू दो शेड्यूल हैं वो कॉन्फ्लिक्ट इक्वल निकल जाते हैं, तो उनका जो प्रेसिडेंस ग्राफ बनेगा वो सेम होगा। ठीक है, ये पी इम्प्लाई क्यू है, इफ इफ और देन जब बोलते हैं तो पी इम्प्लाई क्यू है। अगर पी हमारा ये, मतलब पी इम्प्लाई क्यू, मैं तरीका बता रहा हूँ कि हम मैथमेटिकली कैसे बोलते हैं। नॉट पी इम्प्लाई नॉट क्यू भी होता है कि अगर एस वन एस टू प्रेसिडेंस ग्राफ इक्वल नहीं है तो वो कॉन्फ्लिक्ट इक्वल नहीं है। सिंपल है, अगर हमारा कॉन्फ्लिक्ट इक्वल है दो शेड्यूल तो उनका प्रेसिडेंस ग्राफ भी इक्वल होगा, अगर हमारे दो शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट इक्वल नहीं है तो उनके प्रेसिडेंस ग्राफ भी नहीं इक्वल होगा। एज सिंपल एज दैट। क्यों बोलना पड़ रहा है इतना एम्फसाइज करके भी तुम्हें समझ में आएगा, बस ये समझो पी इम्प्लाई क्यू जो है और नॉट पी इम्प्लाई नॉट क्यू जो है बात सेम है, मगर क्यू इम्प्लाई पी नॉट नॉट इक्वल टू पी इम्प्लाई क्यू, ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ, इसको थोड़ा ध्यान रखना। मेरा कहने का मतलब है कि ये चीज़ समझ में आए कि अगर कॉन्फ्लिक्ट इक्वल दो शेड्यूल हैं तो उनका प्रेसिडेंस ग्राफ सेम होगा। ये चीज़ यहाँ लिखी हुई है बड़े बड़े शब्दों में, अगर कॉन्फ्लिक्ट इक्वल दो शेड्यूल नहीं है तो उनका प्रेसिडेंस ग्राफ सेम नहीं होगा। सिंपल, इस चीज़ को एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। अगर तुम प्रेसिडेंस ग्राफ ही भूल गए होगे कैसे बनाते हैं, तो देखो दोबारा देख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ आर वन ए है, डब्ल्यू वन बी, डब्ल्यू टू बी और डब्ल्यू थ्री बी।
ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, आर वन ए के लिए तो हमें कुछ और कहीं डेटा आइटम तो है नहीं, ए तो कोई दिक्कत होने नहीं वाली। डब्ल्यू वन बी पे जाते हैं, डब्ल्यू वन बी से डब्ल्यू टू बी। अच्छा ये हम करके आ रहे हैं प्रेसिडेंस ग्राफ बनाने के लिए, हम पहले क्या करते हैं पता लगाते हैं कितने ट्रांजेक्शन है, तो वन और टू ही और थ्री तीनों दिख रहे हैं, तो वन टू और थ्री हमने बना दिए वर्टिसेस। अब एजेस बनाने के लिए प्रेसिडेंस चेक करते हैं, ठीक है। तो डब्ल्यू वन बी डब्ल्यू टू बी, अब यहाँ पे एरो जा रहा है वन से टू को, तो वन से टू को एरो बना दिया, फिर टू से थ्री को एरो जा रहा है, ठीक है, टू से थ्री को एरो बना दिया, वन से थ्री को भी जा रहे हैं, ठीक है, डब्ल्यू वन बी पहले आ रहा है डब्ल्यू थ्री से, है ना, तो वन से थ्री को भी। तो ये हमारा हमारा एक इसका प्रेसिडेंस ग्राफ बन गया हमारा एस वन का, शेड्यूल वन का। शेड्यूल टू देखते हैं, आर वन ए डब्ल्यू टू बी डब्ल्यू वन बी डब्ल्यू थ्री बी, ये लिखा हुआ है। अब आर वन ए की तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सारे बी आइटम हैं आगे वाले। डब्ल्यू टू बी जो है वो डब्ल्यू वन बी यानी टू के बाद बना रहे, टू के बाद बना रहे, ठीक है, और टू के बाद थ्री आ रहा है, तो टू के बाद थ्री आ रहा है, टू से एरो जाएगा थ्री को, और साथ में वन के बाद थ्री आ रहा है, तो एरो तो नीचे के एरो सेम आ रहे हैं, मतलब ऊपर का एरो देख रहे हो, ये एक ट्रांजेक्शन वन से टू को जा रहे हैं, टू से वन को, यानी कि दोनों क्या है, गड़बड़ हो गई भाई ये तो। देयरफॉर नॉन कॉन्फ्लिक्ट इक्वल। अगर इनका इससे हमारा फायदा पता क्या हुआ, इतना तुम्हें तुमने बस एक ग्राफ बनाया और तुम्हें पता चले कि नॉन कॉन्फ्लिक्ट इक्वल है, कॉन्फ्लिक्ट इक्वल है ही नहीं। अगर तुमने देखा कि ये दोनों ग्राफ इक्वल नहीं आ रहे तो कॉन्फ्लिक्ट इक्वल कैसे हो सकते हैं, क्लियर, ये नोट समझ में आया। नोट दूसरा है कि एस वन एस टू शेड्यूल विद सेम प्रेसिडेंस ग्राफ, अगर ग्राफ दोनों के सेम है तो यार जरूरी नहीं है कि वो कॉन्फ्लिक्ट इक्वल निकल जाए। यही मैं कहना चाह रहा था कि पी इंप्लाई क्यू कर रहा हूँ, मगर क्यू इंप्लाई पी नहीं कर रहा, कि अगर हमारे प्रेसिडेंस ग्राफ सेम निकल जाए, देखो मैंने बोला कि अगर कॉन्फ्लिक्ट इक्वल निकल जाए तो प्रेसिडेंस ग्राफ सेम होंगे, ठीक है, मगर प्रेसिडेंस ग्राफ सेम निकल जाए तो कॉन्फ्लिक्ट इक्वल होना जरूरी नहीं है भाई, ठीक है, ये चीज़ बताने की कोशिश करेगा इस एग्जांपल को लेके जिसको प्रूव करता है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, दो ट्रांजेक्शन थे और डब्ल्यू वन ए से डब्ल्यू टू ए को आर टू ए को जा रहा है, ठीक है, मतलब राइट है, मतलब ये पेयर है एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट करने वाला, तो हमें समझ में आया कि वन से लेकर टू को जाना चाहिए। देखो अगर तुम इसकी प्रेसिडेंस ग्राफ बना के देखोगे तो टी वन टी टू हमें दो दिख रहे हैं ट्रांजेक्शन, दो हैं, दोनों में दो दो ट्रांजेक्शन है। अब यहाँ पे क्या, आर वन ए से डब्ल्यू टू ए गया, ठीक है, आर वन ए से यानी हमारे ट्रांजेक्शन वन से टू को गया, और जब डब्ल्यू टू ए से डब्ल्यू वन ए को गया तो ठीक है टू से वन को गया, है ना। सिमिलर यहाँ देखोगे तो वन से टू को गया और टू से वन को गया, नीचे भी टू से वन को गया, तो ऐसे नहीं कि दो तीन बार कर देंगे एरो लगा, एक ही बार एरो होता है वो बताता है कि हाँ बात समझ में आ रही है टू से वन को ही जा रहा है, ठीक है। तो ये दोनों जो है सेम हमारे क्या है प्रेसिडेंस ग्राफ है, मगर हो क्या रहा है कि अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो ये कॉन्फ्लिक्ट इक्वल नहीं है, क्योंकि एक बार राइट वन ए आ रहा है उसके बाद रीड टू ए आ रहा है, ठीक है, और सेकंड वाले में रीड टू ए पहले आ रहा है राइट वन ए से, बट एस वन एस टू आर नॉट कॉन्फ्लिक्ट इक्वल, क्योंकि बताया मैंने कि एस वन में हमारा राइट वन ए के बाद रीड वन ए आ रहा है, और इसमें सॉरी रीड टू लिखना है, यहाँ पर रीड टू लिखना, और इसमें रीड टू ए पहले आ रहा है उसके बाद राइट वन ए आ रहा है, तो दोनों में अंतर है यानी कॉन्फ्लिक्ट इक्वल तो नहीं है। तो ये अच्छा एग्जांपल है कि ग्राफ अगर हमारे सेम होते हैं तो जरूरी है वो कॉन्फ्लिक्ट इक्वल। एक और नोट देखो कि ठीक है भाई ग्राफ, अच्छा एक चीज़ नोटिस करी तुमने, ये जो ग्राफ है इसमें साइकिल बन रही थी, है ना, तुमने कह दिया कि ठीक है कि जरूरी नहीं है कि सारे प्रेसिडेंस ग्राफ अगर सेम है तो फिर बात बन जाएगी। देखो अगर साइकिल ना बने तब अच्छा है, कहने का मतलब है कि अगर दो शेड्यूल हैं एस वन एस टू उनकी सेम प्रेसिडेंस ग्राफ है, सेम प्रेसिडेंस ग्राफ है चलेगा, मगर असाइकिल प्रेसिडेंस ग्राफ हो साइकिल ना बने तब हमें तब तो एकदम प्रूव आता है कि एस वन एस टू जो है कॉन्फ्लिक्ट इक्वल है। फॉर एग्जांपल ये देखो टी वन टी टू टी थ्री, अब तुम ये साइकिल नहीं दिख रही है भाई, ये साइकिल नहीं है, ध्यान से देखो टी वन भी टी टू को जा रहा है और टी वन टी थ्री को भी जा रहा है, यानी कि इसकी डिग्री जीरो है, है ना, ये सब बता चुके हैं। तो ये पर्टिकुलर कोई साइकिल ही बन रहा है, अगर यहाँ पे टी थ्री से टी वन को जाता तब इन सबकी डिग्री वन होती तब साइकिल बनती, मगर ऐसे यहाँ कोई साइकिल नहीं है, तो यहाँ एस वन एस टू दोनों में क्या है साइकिल नहीं प्रेजेंट, यानी दोनों असाइक्लिक हैं, दोनों असाइक्लिक हैं और साथ में इक्वल भी हैं, तो डेफिनेटली हमारे कॉन्फ्लिक्ट इक्वल निकलेंगे ये दोनों, ठीक है। और रही बात इसके काउंटर एग्जांपल की कि अगर यहाँ पे देखो साइकिल प्रेजेंट है टी वन टी टू के बीच में, दोनों देखो इक्वल हैं और साइकिल भी है, तो इट मे और मे नॉट बी कॉन्फ्लिक्ट इक्वल, हम कह नहीं सकते इसको, ठीक है। और इफ का मैंने बताया दी कि डबल इफ होता है तो यानी स्ट्रॉगर स्टेटमेंट होती है वो, ठीक है, बाई डायरेक्शनल है, और इफ और देन होता है तो पी इंप्लाइज क्यू यानी नॉन बाई डायरेक्शनल, इसका मतलब ये नहीं कि क्यू भी पी को इंप्लाई करेगा, नॉट ऑलवेज, ठीक है। अब आते हैं कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल, जिसके लिए हमने इतना कुछ पढ़ा, ठीक है, अब इस ये समझ में आएगा तुम्हें इजी, ठीक है। तो शेड्यूल एस इज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, जब भी कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल की बात हो रही होगी हमेशा याद रखना कि एक शेड्यूल एस कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल तभी होगा इफ एंड ओनली इफ सम सीरियल शेड्यूल, यानी एक अच्छा बच्चा, सीरियल शेड्यूल मतलब एक अच्छा बच्चा जो पहली सारी ट्रांजेक्शन वन कर रहा है फिर बाद में सारी ट्रांजेक्शन टू कर रहा है ना, एक अच्छा बच्चे वाला बिहेव करेगा, मस्ट बी कॉन्फ्लिक्ट इक्वल टू शेड्यूल एस, यानी क्लास का टॉपर तभी टॉपर कहलाएगा जब उसके टॉपर के मार्क्स ये बराबर होंगे उसके मार्क्स, समझ में आया, ऐसा कुछ है सिंपल भाषा में बोला जाए कि शेड्यूल इज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल इफ एंड ओनली इफ सम सीरियल शेड्यूल मस्ट बी कॉन्फ्लिक्ट इक्वल टू शेड्यूल एस, ठीक है, यानी गिवन शेड्यूल एस है हमारा वो कॉन्फ्लिक्ट इक्वल होना चाहिए हमारे सीरियल शेड्यूल एस के साथ, एस डैश के साथ, ठीक है, तभी ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल कहलाएगा। और सीरियल शेड्यूल की बात करें तो एक चीज़ नोटिस करो, थोड़ा दिमाग लगाओ कि इसका प्रेसिडेंस ग्राफ तो हमेशा साइकिल की बनेगा, साइकिल कहाँ से आएगी जब एकदम ऑर्डर फॉलो हो रहा है, तो है ना, तो अगला पॉइंट यही है, तो पॉइंट ये है कि सीरियल शेड्यूल प्रेसिडेंस ग्राफ हमेशा साइकिल होता है। अब तुम्हें कॉन्फ्लिक्ट इक्वल होना है, इसके बराबर की टक्कर रखनी है, तो तुम्हारा भी असाइक्लिक होना चाहिए, तो प्रेसिडेंस ग्राफ ऑफ एस मस्ट बी असाइक्लिक। या थोड़ा इनडेप्थ जाएं तो टोपोलॉजिकल ऑर्डर जो जो सीरियल शेड्यूल होंगे ना उसके टोपोलॉजिकल ऑर्डर जो हो सकते हैं वो हमारा एस के हो सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट इक्वल, यानी ये पॉइंट अगर मैं पढ़ के सुनाऊं तुम्हें तो यही चीज़ यहाँ मेंशन कर दी है कि शेड्यूल एस इज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल इफ प्रेसिडेंस ग्राफ ऑफ शेड्यूल एस मस्ट बी असाइक्लिक। ये बता दिया कि देखो सीरियल शेड्यूल तो हमेशा साइक्लिक प्रेसिडेंस ग्राफ लाता है, ये तो फैक्ट है,
असाइक्लिक ग्राफ मान के चलो कि 100 में से 100 मार्क्स ला रहे हैं, ठीक है, तो अगर तुम्हें टॉपर बनना है तो भाई पहले तो 100 में से 100 लाने पड़ेंगे, यानी असाइक्लिक रखना पड़ेगा। दिस इंप्लाइज कि कॉन्फ्लिक्ट इक्वल सीरियल शेड्यूल, कॉन्फ्लिक्ट इक्वल सीरियल शेड्यूल जो होगा आर टोपोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ शेड्यूल प्रिसिडेंस ग्राफ, ठीक है, यानी वो जो टोपोलॉजिकल ऑर्डर बताए थे वो यहाँ काम आ रहे हैं। एक सिंपल सा एग्जाम्पल समझो कि ये एग्जाम्पल दे रखा है तुम्हें, लेट से, ठीक है, मैं बताऊंगा नहीं कि कैसे बना, काफ़ी बार एग्जाम्पल देख चुके हैं, T1 इंप्लाई कर रहा है T2 को, T2 इंप्लाई कर रहा है T3 को, तो ये टोपल, ये पहली बात तो क्या है, असाइक्लिक है। कैसे पता चला? क्योंकि T1 की डिग्री 0 है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 2 है, 0 1 2, क्लियर, कोई साइकिल फॉर्मेशन नहीं है ये। तो एक चीज़ समझ में आई कि प्रेसिडेंस ग्राफ ऑफ एस इज असाइक्लिक, ये एस जो है शेड्यूल है या साइक्लिक दे दिया, कहने का मतलब है कि कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है डेफिनेटली, ठीक है, 100 में से 100 नंबर लाया तो टॉपर मतलब ये अच्छा आदमी तो हो ही गया। अब इसका टोपोलॉजिकल ऑर्डर अगर देखो, हम क्या करते हैं टोपोलॉजिकल ऑर्डर निकालने के लिए, डिग्री 1 0 वाले को हटाते हैं, ठीक है, तो T1 हटाया, उसके बाद T2 से T3 जा रहा है, T2 से T3, तो ये ऑर्डर फॉलो हो रहा है, तो कॉन्फ्लिक्ट इक्वल सीरियल ऑर्डर इज T1 T2 T3, ठीक है, तो ये हमारा सीरियल ऑर्डर हो गया, सीरियल शेड्यूल का ऑर्डर हो गया। इस तरह से अगर हम पहले T1 ट्रांजेक्शन को सारे कर दें, उसके बाद T2 के सारे रन कर दें, उसके बाद T3 के रन करके कमिट कर दें, है ना, ये चीज़ हम देख चुके हैं। ऑर्डर समझ में आया? दो एग्जाम्पल देखते हैं, दोनों ही अच्छे हैं, और फर्स्ट वाला ईजी भी है, ईजी इन द सेंस कि जल्दी बता दूंगा। अब देखो, तुम्हें एक ऐसे नाम का तुम्हें शेड्यूल दे रखा है, पता लगाने कि ये शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है या नहीं, तो मैंने क्या करा, इसका प्रेसिडेंस ग्राफ बना के देखा, ठीक है, R1A, W2A, W2B, R3B, W3C, R1C, सुन लिया तो कॉपी पे लिख के ट्राई भी कर सकते हो। तो मैंने क्या करा, R1A को काटा और सबके साथ कंपेयर कर, R1A क्या, W2A, हाँ दिक्कत, ये दोनों तो हैं भाई, तो R1 मतलब 1 के बाद 2 आ रहा है, तो मैंने 1 के बाद 2 का R1 आया, ऐसे करके करते हैं, बता चुका प्रेसिडेंस ग्राफ कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो जब बना के देखा मैंने, तो 1 के बाद 2 आया, और यहाँ पे आगे चेक करा कि T2 जो है वो T3 को पॉइंट कर रहा है, उसके बाद T3 जो है T1 को पॉइंट कर रहा है, सबकी डिग्री बना गई, तो ये तो साइकिल बन गई भाई, साइकिल फॉर्मेशन हो गया, तो देयरफॉर एस इज नॉन कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल, क्योंकि असाइक्लिक होना चाहिए, साइकिल क्यों बना रहा है, इसका मतलब है कि नो सीरियल शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट इक्वल टू एस। कोई अच्छे पहले तो भाई 100 में से 100 नंबर लाना जरूरी है भाई टॉपर बनना है, तो है ना, तो नो सीरियल शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट इक्वल टू एस। सेकंड क्वेश्चन है कि इसमें क्वेश्चन पूछा गया कितने सीरियल शेड्यूल आर कॉन्फ्लिक्ट इक्वल टू शेड्यूल एस, ये जो शेड्यूल है कितने सीरियल सीक्वल के बराबर है, कितने टॉपरों के बराबर है इसके मार्क्स, पहले तो पता लगाते हैं 100 में से 100 लाया भी है कि नहीं। मान लो क्लास के टॉपर वरुण, शिवम, सत्यम, राम, कुलवीर, पता लगाने कि कितने टॉपरों के बराबर इसके मार्क्स आए हैं, पहले पता लगाते हैं टॉपर है भी या नहीं। तो एक चीज़ तो हमें समझ में आई कि नंबर ऑफ सीरियल शेड्यूल और है ना, ये चीज़ एक्जैक्टली यहाँ लिख दी है कि नंबर ऑफ सीरियल शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट इक्वल टू शेड्यूलेस, है ना, जो क्वेश्चन पूछा गया है कैसे निकालते हैं, हम नंबर ऑफ टोपोलॉजिकल ऑर्डर देखते हैं और शेड्यूलेस प्रेसिडेंस ग्राफ, ठीक है। तो हमने क्या करा, प्रेसिडेंस ग्राफ बना के देखा, तो हमने देखा कि R1A है, R2 है, R3 है, R3 है, R4 है, तो A में तो कोई दिक्कत नहीं है, A वालों में तो दिक्कत नहीं है, रीज़न बीइंग कि पहली बात तो अलग अलग ट्रांजेक्शन होने के बावजूद भी ये सारे के सारे रीड ऑपरेशन है, तो रीड में तो दिक्कत होती नहीं है कॉन्फ्लिक्ट की, ठीक है। तो मैंने क्या करा, 4 ट्रांजेक्शन बना दिए, T1, T2, T3, T4, और यहाँ पे राइट वाले में दिक्कत हो रही है, ठीक है, क्योंकि इसका डेटा आइटम भी सेम ही है। तो देखो 2 से लेकर 3 पे जा रहे हैं, ठीक है, 2 से 3 को एरो बना देता हूँ, 2 से 1 पे भी जा रहे हैं, 2 से 1 को एरो बना देता हूँ, 3 से 1 को जा रहे हैं, 3 से 1 को भी एरो बना दिया, और T4 अकेला रह गया, खाली रह गया। तब तुम नोटिस करोगे ये क्या असाइक्लिक ग्राफ है, यानी 100 में से 100 नंबर तो ला रहे हैं, टॉपर बंदा तो है ही, है ना, क्योंकि यहाँ पे इसके T2 की डिग्री 0 है, तो T2 आएगा, उसके बाद T2 जैसे गायब हो गए, उसके बाद T3, उसके बाद T1, तो ये हमने ऑर्डर बना दिया, और T4 जो है कहीं भी फिट हो जाएगा, आगे भी लिख सकते हो, बीच में भी लिख सकते हो, क्योंकि इसकी डिग्री हमेशा 0 है, है ना। तो 4 टोपोलॉजिकल ऑर्डर हो गए, कौन से T4 को एक बार आगे रख दिया, T2, T3, T1, 2, 4, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 4, ये 4 ऑर्डर जो मैंने बताया, इट्स 4 सीरियल शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट इक्वल टू शेड्यूलेस, यानी 4 बच्चों के बराबर के मार्क्स लाया ये बच्चा, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा सिस्टम जो आज हमने पढ़ा है, मैं होप तुम्हें ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल ये सब समझ में आया होगा, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल कब होता है, कैसे होता है, ये हम देख चुके हैं, और उसको रिवाइज करते रहना कि भूलो ना। चलो।